तो दोस्तों आज का ये वीडियो फिर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनका नेक आगे की तरफ से पीछे की तरफ भागता है, और ये प्रॉब्लम दोस्तों नॉर्मल साइज से लेकर हैवी साइज तक आती है। तो इस सोल्यूशन के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो में देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ एकदम डिटेल से बताने वाले हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल साइज़ के लिए कि नॉर्मल साइज़ का नेक आगे से पीछे की तरफ क्यों भागता है और उसकी क्या वजह होती है। तो दोस्तों इसकी वजह दो होती हैं जो हम आपको अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी जो कुर्ती की मार्किंग है वो नॉर्मल तरीके से कर लेनी है, जैसे कि आप अपनी कुर्ती की कटिंग करने के लिए करते हैं। और करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, नॉर्मल तरीके से ही आपको इसकी कटिंग भी कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद में आप अपना फ्रंट इस प्रकार से अलग उठाकर रख दें। इसके बाद दोस्तों आप अपना बैक का जो कपड़ा है वो उसको इस प्रकार से बिछा लें। और बिछाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपने फ्रंट को ले लें और फ्रंट को इसके ऊपर इस प्रकार से बिछा लें। बिछाने के बाद दोस्तों अब हम आपको सबसे पहले पहला कारण बताएंगे जो कि नॉर्मल साइज़ के लिए है। पहला कारण ये है दोस्तों, अगर आपका नेक आगे का छोटा होता है तो इस वजह से आपका नेक आगे से पीछे की तरफ भागता है। मतलब कि सपोज़ कर लीजिए आपका 5.5, 6 या 4.5 या 4 नेक बना हुआ है तो आगे से पीछे की तरफ भागेगा। अगर आप बोर्ड नेक बनाते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है बोर्ड नेक 4.5-5 इंच का बनता है, तो ये बोर्ड नेक जो होता है वो आगे से पीछे की तरफ कभी भी नहीं भागता है, क्योंकि उसका नेक पीछे का भी सेम बोर्ड नेक ही बना हुआ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे कारण की। दूसरा कारण ये होता है कि आप लोग क्या गलती करते हैं, जब भी सूट की कटिंग करते हैं तो फ्रंट को इस तरीके से बैक से मिलाकर बिल्कुल बराबर करके कटिंग कर लेते हैं। तो ये दोस्तों गलती है। अगर आपका आगे से पीछे की तरफ नेक भागता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मल साइज में ही आपको 0.5 इंच आपको अपनी बैक लंबाई में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी होगी। इससे आपका नेक आगे से पीछे की तरफ कभी भी नहीं भागेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ये दो कारण बता दिए हैं कि नॉर्मल साइज़ के लिए कि आपका नेक आगे से पीछे की तरफ कभी भी नहीं भागेगा अगर आप हमें इसी तरीके से फॉलो करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों हैवी साइज़ के लिए, जिनका नेक आगे से पीछे की तरफ भागता है। इसके भी दोस्तों दो कारण होते हैं। पहला कारण दोस्तों ये होता है कि आगे का नेक जब भी आप बनाएं तो वो छोटा ना बनाएं, 7.5, 8 या फिर 7 बनाएं, जिसके कारण आपका नेक आगे से पीछे की तरफ नहीं भागेगा। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि एक नेक होता है जो कि छोटा बना होता है, जिसका नाम होता है बोर्ड नेक, अगर आप वो बनाते हैं तो आपका नेक आगे से पीछे की तरफ भागेगा। तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बोर्ड नेक जो होता है वो आगे और पीछे सेम बना होता है, इस वजह से आपका नेक आगे से पीछे की तरफ नहीं भागता है। तो ये तो हो गई पहला कारण। अब बताते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण दोस्तों ये होता है कि आप जब कटिंग करते हैं, कटिंग करते वक्त आप एक गलती करते हैं, वो गलती ना करें, हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों वो गलती ये होती है, जब आप अपनी कुर्ती की बैक काटते हैं तो बिल्कुल मिलाकर इस तरीके से बराबर कटिंग कर लेते हैं। तो ये गलती ना करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप अपनी कुर्ती की बैक काटें तो आप अपने फ्रंट को इस तरीके से 0.75 से लेकर 1 इंच तक लंबाई में एक्स्ट्रा कटिंग कर लें, तो आपका जो नेक है वो आगे से पीछे की तरफ कभी भी नहीं भागेगा। तो ये हो गए दोस्तों दो कारण। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। तो जल्दी से आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक कर लें।